नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में यहां पर मैं बात करूंगा बिटकॉइन की, ऑल्ट कॉइन की, बिटकॉइन के डंप के बारे में, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, क्या मैं यहां पर कौन से कॉइन यहां पर मैं बाय कर रहा हूं, क्या मेरा फोकस है यहां पर, क्या आप यहां पर कर सकते हो। काफी लोग पैनिक के अंदर है, काफी लोग यहां पर वेट कर रहे हैं कब वीडियो आएगी, और सबको पता है चाहे बुलिश मार्केट हो बेयर्स मार्केट हो अपनी वीडियो आती ही आती है। ऐसा काम नहीं करते कि भैया बेयर्स मार्केट है लॉस होगा, लोग नेगेटिव बोलेंगे, चलो अब वीडियो नहीं बनाते। नहीं, बुलिश मार्केट है मैंने बताया था जी, वो काम यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड एनालिसिस होता है। बहुत यहाँ पर जो यूजर है, बहुत सारे यूजर ऐसे हैं जो पहली बार आए हैं इस मार्केट के अंदर, वो पैनिक हो गए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये मार्केट ही ऐसी है इस मार्केट के अंदर। ये तो क्या कि बहुत छोटा सा जगह में, राइट? हमने तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन देखी है कि लूना जीरो हो गया, बहुत सारे FTX बंद हो गया, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ें देखी हैं हमने। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, और आप अभी इस चीज़ के अंदर एंटर हुए हो तो आपके लिए हो सकता है ये एक छोटा सा झटका लगा हो अभी आपको, और ऐसे बड़े झटकों के लिए भी तैयार आपको रहना चाहिए, क्योंकि आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर 5% 3% क्रैश हो जाता है तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बन जाती है। बिटकॉइन के अंदर 10% भी कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं बनती। तो ये मार्केट ही ऐसी है, इस मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी रहती है, और इसीलिए क्या कि इस मार्केट को के अंदर रिस्क रिवॉर्ड्स दोनों ही हैं। सीधे डिस्क्लेमर के साथ में चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, हमेशा खुद की रिसर्च जरूर करें। सीधे ब्राउजर के ऊपर आ चुका हूं बिना किसी देरी के। जब मैं आप सभी के साथ में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है यहां पर $63,000, और मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं क्योंकि काफी लोग देख नहीं पा रहे हैं। अब दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है तो जल्दी से यस यस लिख दो कमेंट के अंदर। $63,000 यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर लगभग क्या कि 60 वाले जोन के अंदर पहुंच गया, $60,768। अगर आप ये देखोगे यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस पहुंचा यहाँ तक, वीक लगी, काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन यहाँ पर क्रैश हुए, लेकिन यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, अगर हम बात करें, कल ही यहाँ पर बात कर रहे थे कि भाई 65 तक सपोर्ट अभी तक होल्ड कर रहा है, कल अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट होल्ड करी, लेकिन पिछले कुछ घंटों पहले आप कह सकते हो कि नाइट में ही ये सपोर्ट यहाँ पर क्या टूट गया, और ये सपोर्ट इतना बड़ा सपोर्ट था कि यहाँ पर पहले भी यहाँ से बाउंस बैक लिया, लेकिन अब की बार यहाँ से बाउंस बैक नहीं ले पाया। बहुत अच्छे सपोर्ट होने के बावजूद भी ये सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक हुआ, और अभी यहाँ पर बिटकॉइन दूसरे सपोर्ट जोन के अंदर यहाँ पर है। लास्ट टाइम अगर आप देखो यहाँ पर, मैं यहाँ पर थोड़ा सा पास्ट हिस्ट्री के अंदर जाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ज़्यादा हिस्ट्री के अंदर नहीं जाऊँगा, बहुत छोटी सी हिस्ट्री के अंदर जा रहा हूँ 4th मार्च की। 4th मार्च को बिटकॉइन ने यहाँ पर, अगर हम बात करें 28 फेब को बिटकॉइन था यहाँ पर $60,600, और उसके बाद में जब बिटकॉइन ने यहाँ पर कहा कि जो पहला पंप लिया, कंटिन्यू पंप होता रहा, जैसे अभी डंप हो रहा है ऐसे ही पंप हुआ, और इसके बाद में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसने हिट कर लिया यहाँ पर $68,000। मजाक चल रहा है क्या? मतलब 60 से $68,000, और उसके बाद में देखो पंप होने में कितने दिन लगाए, देखो यहाँ पर कंटिन्यू 1, 1, 2, 2 कितनी सारी कैंडल बनी, लेकिन डंप होने में एक कैंडल यहाँ पर हाफ बनी और एक कैंडल ने पूरा आर पार कर दिया, और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पर आ गया था $59,000। और अभी अगर आप देखोगे यहाँ पर अभी क्या हुआ, ये यहाँ पर कंटिन्यू डंप हो रहा है, बैक टू बैक डंप हो रहा है, थोड़ा सा 1000 ऊपर आता है, फिर नीचे की तरफ आता आता यहाँ पर 61 के आसपास आ गया, 60 के आसपास आ गया। तो ये जो एरिया है ये है यहाँ पर मेजर सपोर्ट। इस सपोर्ट से अभी $2,000 का, $3,000 का आप कह सकते हो कि लगभग बाउंस बैक यहाँ पर हो रहा है, और ये बाउंस बैक कंटिन्यू रह के और इस सपोर्ट के ऊपर वापस आ जाता है, सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो अगर ये यहाँ पर भूल के गलती से यहाँ पर आ जाता है तो यहाँ पर रिकवरी हो जाएगी। मेजर रीजन डंप के यहाँ पर दो बताए जा रहे हैं, एक तो यहाँ पर 880 बिटकॉइन एक साथ यहाँ पर शार्प सेलिंग हुई, एक ट्रेडर था उसने क्या गलती से सेल कर दिया। दूसरा यहाँ पर ग्रे स्केल की बड़ी अनलॉकिंग, बड़ी सेलिंग यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से क्या कि मार्केट के अंदर एक मेजर डंप हमें देखने को यहाँ पर मिला है। तीसरी बड़ी चीज़ कि हाफिंग से पहले एक करेक्शन बिटकॉइन लेता ही लेता है, और जब एक बिटकॉइन ऑल टाइम हाई हिट करता है उसके बाद में भी यहाँ पर 15% से 28% तक का करेक्शन हो जाता है। तो अभी हम उसके मिड में ही हैं, तो अभी एक करेक्शन यहाँ पर लगभग बिटकॉइन ले चुका है। अगर ये सपोर्ट यहाँ पर होल्ड कर लेता है आज, तो ये समझ लो कि यहाँ पर हम बच गए, और यहाँ पर क्या कि मार्केट के अंदर जो ऑल्ट कॉइन है उनको यहाँ पर हम अक्यूमुलेट कर सकते हैं। अभी भी मैं कुछ कॉइन अक्यूमुलेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी यहाँ पर डिफरेंट है, स्ट्रेटेजी बताऊंगा डिटेल में। लेकिन उससे पहले यहाँ पर दो चीज़ बताना चाहूँगा।
अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मेरी वीडियो की कभी भी कहेगी इन लाइनों को मिस मत किया करो। जो लाइन यहां पर चलती है मैं आप ही के लिए चला के रखता हूं, यहां पर मैं अपना एड भी चला सकता हूं, लेकिन मैं क्या लिखता हूं यहां पर, आई विल नेवर मैसेज यू फर्स्ट फॉर एनी मनी, आईडियो, आईओ और ये सब जितने भी इन्वेस्टमेंट है मैं इनके लिए कोई भी यहां पर आप कहीं भी आपको मैसेज नहीं करूंगा। स्कैमर करेगा चाहे वो इंस्टाग्राम के ऊपर हो चाहे प्रीमियम कहीं भी हो, हमारी प्रीमियम सर्विस सिर्फ smartview.com के ऊपर अवेलेबल है, इसके अलावा कहीं नहीं। कहीं भी बात करोगे ट्विटर के ऊपर यहाँ कहीं वहीं कहीं आपको नहीं मिलेगा। ऑटो पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट गेटवे लगा हुआ है, वहां पर इंडियन रुपीज से बाय कर सकते हो, डेबिट कार्ड से बाय कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से बाय कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट के ऊपर, उसका और कोई तरीका नहीं है और कहीं से आप नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यहां पर एक पॉइंट बनाया बस, उसके अलावा बाकी सारी सोशल मीडिया के ऊपर कोई बाइंग सेलिंग नहीं। दूसरी चीज यहां पर बहुत सारे यूजर क्या है कि मैं देख रहा हूं मेरे नाम से 94 रुपीज में USDT सेल किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये मेरा नाम है और हो सकता है ये किसी जनरल पर्सन का नाम हो, आई डोंट नो, पर ये मेरा नाम नहीं है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं यहां पर USDT बाय सेल नहीं कर रहा हूं। जब मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है smartvi.com, मुझे वहां पर इतने सारे बायर आ रहे हैं, इतने सारे बायर आ रहे हैं, वहां पर मैं पूर्ति नहीं कर पा रहा हूं उनकी, तो मैं दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों जाऊंगा। तो आप खुद यहां पर दिमाग लगाओ, काफी लोग हालांकि वेरीफाई कर रहे हैं बट किसी भी प्लेटफॉर्म पर smartvi का नाम मिलता है आपको, मेरा नाम मिलता है, तो आप समझ लेना कि वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मेरा खुद का प्लेटफॉर्म है। मेरे यहाँ पर क्या कि प्रीमियम यूजर इतने सारे यूजर हैं जिनको क्या USDT चाहिए, तो उनके लिए मुझे पहले प्रोवाइड करना है कि मैं वहाँ बाहर जाकर थर्ड पार्टी साइट के ऊपर जाकर सेल आउट करूंगा, और वो भी इतने महंगे में जाके, मतलब लूटने के वाले रेट में, नहीं वो पॉसिबल नहीं है। तो अपनी खुद साइट के ऊपर हम यहाँ पर सेल आउट करते हैं, तो इस पर जाके आप क्या है कि सेल बाइंग कर सकते हो, smartvi के ऊपर सारी सर्विस अवेलेबल है, इसके अलावा यहाँ पर और कहीं हम नहीं करते हैं। तो जो smartvi के मेंबर हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखना थोड़ा सा। अब इसके अलावा जो यहाँ पर मैंने कमिटमेंट किया था आपको, जिस जो भी मेरी साइनअप लिंक से साइनअप करेगा जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, उसको क्या कि 5000 सेवा इनू मिल जाएंगे। तो सबको मिल चुके हैं, कोई बचा तो नहीं है, ये कमेंट कर देना मुझे। मार्च 15 को मैंने वीडियो बनाई थी, मार्च 15-16 को, और अप्रैल 15 तक अभी भी है। तो जो भी साइन अप करेगा उसको सारे के सारे ये जो रिवॉर्ड्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बिना किसी कंडीशन के। ये मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा हूँ, एक्सचेंज वाले खुद दे रहे हैं, तो अगर आप एक्सचेंज वाले नहीं देंगे तो मैं उनके पीछे पड़ जाऊंगा। तो आप जाके इसको साइन अप कर लेना। अब इसके बारे में मैं बात करूं ऑल्ट कॉइन की, तो ऑल्ट कॉइन के अंदर बड़ा डंप देखने को मिला है, नो डाउट। बिटकॉइन डंप हुआ है लगभग क्या कि 12-13%, लेकिन ऑल्ट कॉइन कहीं यहाँ पर 40% से लेके कोई 30%, कोई 40%, कोई 60%। जो डॉट कॉइन की अगर मैं बात करूँ, आप सभी के फेवरेट कॉइन की, वो पूरी ऑल्ट साइकिल के अंदर पंप ही नहीं हुआ, लेकिन वो जब यहाँ पर डंप होने के बाद में बारी आई तो सबसे पहले क्या कि अपना 25% का डंप उसके अंदर लग गया। तो हालांकि अभी $9-9 तक रिकवरी कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि अभी $11-12 के ऊपर ही आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ बाइंग के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। मैं जल्दी से कहना यहाँ पर एक टेबल बना लेता हूँ, तो जिससे क्या है कि आसानी रहेगी जब तक मैं चीज़ें आपको बताता रहता हूँ। तो बेसिकली क्या है कि जो मार्केट है अभी, जिस मार्केट के अंदर आप कंडीशन देख रहे हो, मैं यहाँ पर चलो पुराना वाला ही चार्ट खोल लेता हूँ। तो हमने SIP की जगह DCA कर लेता हूँ, इसी को चेंज कर लेता हूँ। तो अगर यहाँ पर ये हमने लास्ट मंथ DCA पर और ये सब चीज़, तो अगर यहाँ पर जैसे अगर बिटकॉइन का प्राइस देखोगे, इसको मैं चलो BTC प्राइस कर लेता हूँ, तो BTC प्राइस चल रहा है अभी यहाँ पर $62,000 अराउंड चल रहा है, क्योंकि वीडियो के बनाने के बाद में प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। और आपको यहाँ पर टारगेट करना है कोई भी ऑल्ट, और उस ऑल्ट की मान के चलो अभी जो ऑल्ट कॉइन है वो $100 का चल रहा है। तो $100 का जैसे हम चलो यहाँ पर आपके फेवरेट कॉइन का एग्जांपल ले लेते हैं, फेव कॉइन आपका ये यहाँ पर डॉट, तो इसके अंदर क्या है, आपने यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो पहला कर लो भैया यहाँ पर करंट प्राइस के ऊपर। देखो मार्केट के अंदर जब मार्केट थोड़ी डाउन होने लगती है ना, सब $15,000-$10,000 का टारगेट देने लगते हैं, और जब मार्केट अप होने लगती है तो 100K का टारगेट होने लगता है, तो काफ़ी लोग क्या कि अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो भैया 30% या आप यहाँ पर चलो ये मान लो 25%, जो भी मैं एक कॉइन का रेशो दे रहा हूँ, जैसे आपका टारगेट है कि भाई मुझे यहाँ पर मेरे पास में $200 पड़े हुए हैं, आप मुझे एक कॉइन के अंदर मुझे यहाँ पर क्या कि $40 लगाने हैं, $40 लगाने हैं आपको, तो $40 में है यहाँ 25%, आप क्या यहाँ पर $10 का करंट प्राइस पर बाई कर लो। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी चली जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके पास में ये बाइंग हुई है,
ये छोटे यूजर के हिसाब से दे रहा हूं मैं, बड़े यूजर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सेकंड यहां पर जैसे ही आप यहां पर सेकंड करना है आपको, तो फिर यहां पर कहेगी सेकंड के ऊपर आप यहां पर, क्योंकि सेकंड के फर्स्ट के चांसेस, क्योंकि फर्स्ट वाला तो आपका करंट प्राइस पे हो रहा है, सेकंड वाला उससे आप 5% नीचे रख लो। जैसे डॉट अभी क्या है कि $9 के आसपास चल रहा है, चलो 8.5 रख लो उसको, ऐसे जोन के मतलब अपने हिसाब से उसको 4-5% इस आसपास रख लो। तो $10 आपने यहाँ पर किए, $12 यहाँ पर कर दो, क्योंकि यहाँ तक के चांसेस हैं कि चलो जो फर्स्ट और सेकंड राउंड तक आ सकता है। थर्ड और उस पर कहेगी जस्ट जो भी बचा हुआ है उसका 50-50 लगा दो। इस तरीके से मैं यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी चली जाती है आई डोंट केयर, क्योंकि मेरे पास में क्या है कि 25-25% करके करंट प्राइस के ऊपर बाइंग हो चुकी है। और थोड़ा सा यहाँ पर कहीं मार्केट जैसे ही है कि यहाँ पर 65 के ऊपर आएगी तो मेरे बच्चे कुछ अमाउंट से भी मैं बाइंग कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन बाउंस बैक ले चुका है, अप हो चुका है, तो ऐसे करके मैं उसको इस कंडीशन में उसको थोड़ा सा रिस्क हुई रहेगा तो मैं उसको बाय कर लूँगा। लेकिन मैं यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहता। अगर यहाँ पर क्या बिटकॉइन यहाँ पर मान के चलो 62 से 58 आ जाता है, तो जो डॉट कॉइन का मेरा पहला ऑर्डर था वो तो हो ही गया था, सेकंड वाला हो ही जाएगा, थर्ड और फोर्थ वाला होगा वो काफी डाउन के ऊपर जाके होगा, क्योंकि मैं यहां पर कहेंगे ग्रेसो लेके चल रहा हूं। अब जो थर्ड और फोर्थ वाला मेरा डाउन के ऊपर जाएगा, हो सकता है कि अगर बिटकॉइन यहां पर 58 जाए तो डॉट यहां पर हो सकता है $7 ही चला जाए, और $7 चला जाएगा तो भैया फिर तो एक राइट एंट्री बनती है। सेम ये किसी का एग्जाम्पल ले सकते हो, हालांकि मैं आपके फेवरेट कॉइन का एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं, तो क्योंकि काफी लोगों को बड़ी खुशी मिलती है। अगर जैसे BNB का देखूं मैं, तो BNB अभी 533 पे चल रहा है भाई, मेरा एक ऑर्डर यहाँ पर 520 के आसपास ऑलरेडी फिल हो चुका है। अब यहाँ पर क्या कि बिटकॉइन थोड़ा स्टेबिलिटी शो करता है, मैं इसके अंदर और भी पैसे डाल दूँगा, क्योंकि BNB अगर ये 450 भी आ जाएगा, 400 भी आ जाएगा, आई डोंट केयर, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में जाना ही जाना है। ऐसे कॉइन के ऊपर मैं प्राइस ज़्यादा नहीं देखता हूँ, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या कि बाइंग अपनी मिस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा एक वीक और नीचे लग जाए तो मेरे सारे ऑर्डर फिल हो जाएंगे, नहीं हुए तो भैया 25% तो जो भी मेरी बाइंग है, ये शॉर्ट टर्म वाली मिड टर्म वाली बाइंग कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाली तो पड़ी हुई है, अभी लॉन्ग टर्म वाली में मैंने कुछ ज़्यादा कुछ निकाला नहीं है। तो इस तरीके से मैं स्ट्रेटेजी फॉलो करके यहाँ पर चीज़ों को कर रहा हूँ। आई होप इस टाइम क्या कि आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे कि इस टाइम आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, कैसे आपको इन्वेस्ट करना है, किस कॉइन में करना है। कॉइन की सारी लिस्ट मैं आपको क्या कि लगभग बहुत सारे कॉइन की लिस्ट ऐसी है जो मैं आपको प्रीमियम से पब्लिक चैनल में फॉरवर्ड कर चुका हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर मेरे टेलीग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने कल के बाद में अपडेट उनको सीधी अब मिली होगी, लेकिन टेलीग्राम पर मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ये यहाँ पर वेल्स का मूव हो रहा है, वेल्स यहाँ पर ऐसे गेम कर रहे हैं, सारी कुछ एक्टिविटी जो भी यहाँ पर क्या कि मुझे मिल रही है, जो भी यहाँ पर क्या कि एनालिसिस है वो मैं आपको क्या कि पब्लिक के अंदर फॉरवर्ड कर देता हूँ अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है तो प्लीज़ वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो, ट्विटर ज्वाइन करके रखो और स्कैम से अवेयर रहो। गाइज मिलते हैं अगले अपडेट में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।